शिवसेना के नरम रुख के बाद बीजेपी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने शिवसेना को सहज मित्र बताया। राव साहेब दानवे ने से बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। शिवसेना का रुख नरम पड़ा है, शिवसेना को फिर से गले लगाने के कितने पक्ष में है? नहीं, अभी तो आपने सुना है कि शिवसेना वालों ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर हम सोचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मिलेंगे और उस पर चर्चा करके फिर शिवसेना वाले से बात करेंगे। हम शर्तें भी उन्होंने ऐसी रखी हैं जो बिल्कुल सहज हैं और बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई पहले से ही ये एजेंडे में था कि महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने हैं, महाराष्ट्र को एक रखना है, विकास है। देखो, पहले भी हम एक साथ थे, कुछ कारण से हम अलग हो गए। आखिरी पार्टी दो पार्टी आए हमारी, फिर एक साथ आने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने जो शर्तें रखी है वो इतनी मुश्किल भी नहीं है हमारे लिए। दानवे साहब, एक और आम चर्चा है, लोगों का ये मानना है कि मराठवाड़ा से मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आप अपने आप को दौड़ में कहां? नहीं, ऐसा है, मराठवाड़ा से मुख्यमंत्री इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है, जो हमारे नेता शीर्ष नेता है अभी महाराष्ट्र में काम करने वाले, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा। हमारे नाम की कोई चर्चा नहीं है। मैं केंद्र में हूँ, नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई इधर आने की जरूरत नहीं है।